एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड मोड ओरिजिनल। आज हम बना रहे हैं किचन की मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली बनाए जाने वाली चीज़, जिसे शायद हम किचन में 2 से 3 बार दिन में बनाते हैं, वो है रोटी। जी, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं स्पेशली बना रही हूँ उन बिगनर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, या उन लड़कियों के लिए जो किचन में गोल और नरम रोटी बनाने के लिए स्ट्रगल करती हैं। और मैं आपको दूंगी इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी रोटी को राउंड एज वेल एज सॉफ्ट बना सकेंगे। एंड बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी आटा गूंदने से। मैं ले रही हूँ गंदुम का आटा 2 कप्स, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। इसको हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और सेंटर में एक वेल सा क्रिएट करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको नीट कर लेते हैं। मैं पानी जो इसके लिए यूज़ कर रही हूँ वो रूम टेम्परेचर पर है। आप भी मेक श्योर करें कि आपका पानी भी ठंडा ना हो। इसको हम ग्रेजुअली आटे में डालते जाएंगे और पानी के साथ थोड़ा थोड़ा इसको नीट करते रहेंगे, और हमने इसको स्लाइटली सख्त रखना है। आपने ये जहन में रखना है कि हमने इसको नरम नहीं गूंदना, और बिल्कुल मॉडरेटली सख्त हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। मैं आटा गूंदने के लिए मशीन यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सबकी कन्वीनियंस के लिए इसे हाथ से गूंद के दिखा रही हूँ, ताकि सारे जो हैं वो इसको इजीली फॉलो कर सकें। वेल, मैंने 2 कप्स आटा गूंदने के लिए 1 कप पानी एग्जैक्टली यूज़ किया है, और मेरा बहुत अच्छा सा कंसिस्टेंसी का आटा जो है वो गूंद गया है। और ये हमारा आटा बिल्कुल डन हो गया है। हम इसको फिंगर से भी टेस्ट कर लेते हैं। जब आप इसको प्रेस डाउन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बाउंस बैक नहीं करता, इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी का भी आइडिया हो जाएगा। हम इसको कवर करके रेस्ट देंगे फॉर गुड 15 मिनट्स। अगर आपकी गर्मियां हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो 15 मिनट का रेस्ट भी इसको फ्रिज में दें, और अगर मौसम अच्छा है, सर्दियां हैं, तो आप रूम टेम्परेचर पे भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। सिंस यहाँ पर बहुत गर्मी है आजकल, सो मैंने इसको 15 मिनट रेफ्रिजरेट किया है, ताकि ये बहुत अच्छा सा सेटल डाउन हो जाए। अब हम इससे पेड़े बना लेते हैं। आपने जिस साइज़ की रोटी रखनी हो तो आप अकॉर्डिंगली अपनी डो का साइज़ यूज़ कर लें, छोटा या बड़ा। इसको अच्छी तरह हाथों से हमने बिल्कुल राउंड बॉल की फॉर्म में ले आना है, जस्ट लाइक दैट। अब हम इसको खुश्के में, ड्राई फ्लावर में अच्छी तरह से कोट करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा फ्लैटन करेंगे, अपने हाथ से प्रेशर देंगे। या आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके एजेस को फ्लैटन करते जाएं अपनी उंगलियों में घुमाते हुए, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से एक्चुअली रोटी की जो थिकनेस है वो बहुत इवन हो जाती है, इवन बेलने से पहले ही। अब हम वर्क सरफेस पे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करते हैं, थोड़ा सा खुश्का लगाते हैं, और रोटी को बेलना शुरू करते हैं। और हम इसको सेंटर से बेलना शुरू करेंगे, और टूवर्ड्स एजेस हम इसको बेलते जाएंगे, और हम इसकी साइड जो है वो साथ साथ बदलते जाएंगे, ताकि हम दोनों साइड से इक्वली इसको रोल आउट कर सकें। आप भी इसी तरह से दरमियान से शुरू करें और किनारों की तरफ इसको बेलते जाएं। बेलन से बेलने के बाद जब एक मुनासिब रोटी की फॉर्म में आ जाए, तो आप इसे हाथों से फर्दर बड़ा और पतला कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। आप जितना भी रोटी का साइज प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंगली। और इस पॉइंट पर हम प्रिसाइजली उंगलियों से प्रेशर यूज करते हैं, और हाथों के दरमियान रोटी को स्विच करते जाते हैं, और उंगलियों से प्रेशर यूज करते हुए इसको बड़ा करते हैं। अब हम स्टोव को कर लेते हैं ऑन। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप रोटी बनाने लगें तो आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल ना हो। आप इसको मीडियम हाई हीट पे गर्म रखें, या इसको मीडियम पे रखें अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। और इस तरह से आप हाथ से भी तवे की हीट या सेक जो है वो चेक कर सकते हैं। जब आपको मीडियम हॉट फील हो तो आप इस पर रोटी डाल दें। ये हमने रोटी डाल दी, और एज सून एज इसका कलर चेंज होना शुरू होता है, हम इसको फ्लिप कर लेंगे। कीपिंग द हीट मीडियम हाई थ्रू आउट,
और ये देखें हमारी रोटी बहुत नाइसली फूलना शुरू हो गई है. एंड एट दिस वेरी पॉइंट आप किसी क्लीन किचन क्लॉथ से इसके एजेस को प्रेस करना शुरू कर दें ताकि वो इक्वली हर साइड से पफ अप हो. वेल, दो मेथड्स हैं कि रोटी बहुत अच्छी तरह फूल के ऊपर आए. एक आप किचन नैपकिन या क्लॉथ यूज कर सकते हैं कि आप एजेस को प्रेस करते जाएं तो बहुत अच्छा फूलती है. और ये दूसरी रोटी में डालते हैं डायरेक्ट हीट पे रोटी को करते हैं तो वो भी बहुत नाइसली पफ होती है. ये दूसरी रोटी हमने डाल दी है और हीट जो है वो मीडियम है. स्पेशली अगर आप बिगनर हैं आप अपनी हीट को मीडियम रखें या मीडियम हाई रखें लेकिन उससे एक्सीड ना करें. और समटाइम्स रोटी के खुश्क या अकड़ने की एक रीज़न ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लावर या खुश्का हम यूज़ करते हैं. तो आप रोटी तवे पे डालने से पहले मेक श्योर करें कि जो खुश्का लगा रह गया रोटी पे आप उसको शेक ऑफ करें, आप उसको झाड़ें और फिर तवे पे डालें ताकि आपकी रोटी नरम बने. ओके, सो रोटी पर एक साइड पे कलर आ गया है, हमने इसकी साइड फ्लिप की है और एज सून एज ये थोड़ा सा फूलना शुरू होती है हम इसको डायरेक्ट हीट पे कर देंगे. सिंस मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है तो इस पे मैं बहुत डायरेक्ट इसको नहीं कर सकती क्योंकि रोटी जल जाती है. सो इट्स बेटर टू एक्सरसाइज कॉशन. लेकिन अगर आपका गैस स्टोव है तो आप फियरलेसली इसको डायरेक्ट गैस फ्लेम के ऊपर रख सकते हैं तो ये बहुत नाइसली फूलेगी. तो आप आइदर मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसे कपड़े से प्रेस कर लें या आप इसको डायरेक्ट हीट पे कर लें. और हमारी ये नरम और गोल रोटियां तैयार हैं. ओके, सो हम इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं. हमारे जो की पॉइंट्स हैं, एक तो आपने आटा जो है स्लाइटली सख्त रखना है और उसको थोड़ा सा आपने रूम टेम्परेचर पे या उसे रेफ्रिजरेटर में थोड़ा सा रेस्ट देना है. सेकेंडली आपने हीट को हमेशा मीडियम और मीडियम हाई रखना है, उससे एक्सीड नहीं करना. एंड थर्डली आपने उस पे से ड्राई फ्लावर हमेशा उसको शेक ऑफ करके आपने तवे पर डालना है ताकि रोटी सख्त ना बने. इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रोटी गोल ना भी बने लेकिन नरम ज़रूर बनेगी. और अगर आपकी रोटी इन केस फूलती नहीं है तो भी आप हार्ट लूज ना करें, आप प्रैक्टिस करते रहें. विद एक्सपीरियंस आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी रोटी गोल भी बनेगी, फूलेगी भी और नरम तो होगी ही इंशाल्लाह. और हाँ, आप रोटियां बनाते साथ ही किसी हॉट केस में ज़रूर रखें ताकि ये ज़्यादा टाइम के लिए गर्म और नरम रहें. सो दिस वॉज एट, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.